देखो पांच प्लस रूट छह बट्टा पांच माइनस रूट छह को परिमेयकरण करें, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, पांच प्लस रूट छह बट्टा पांच माइनस रूट छह, उसको जो है ना यानी अंश बाय हर होता है, यानी हर को जो है ना ऊपर नीचे लिखना होगा, हर को क्या करना होगा ऊपर नीचे, यानी यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, ये नीचे वाली जो संख्या हर है यानी पांच माइनस रूट छह, तो उसको कहा देंगे ऊपर देंगे, यानी पांच और माइनस में है तो कहा मतलब उसका चिन्ह क्या होगा प्लस, और रूट छह बट्टा पांच प्लस रूट छह, जो यह संख्या है ना उसी को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, और उसी संख्या को फिर नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना। देखो ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी एक जैसे हो जाते हैं, यानी प्लस में ये भी प्लस में ये भी, तो यानी उसको होल स्क्वायर क्या होगा, पांच प्लस रूट छह का होल स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ पर जो है नीचे अलग अलग गुना कर लेंगे, पांच और पांच इस ये दोनों संख्या को क्या करेंगे यहाँ पर गुना, तो पांच और पांच को गुना करेंगे क्या होगा पांच पच्चीस, ये है माइनस में ये है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और रूट छह और रूट छह को गुना करेंगे तो एक छह होगा, यानी ऐसे छत्तीस भी का ठीक है, देखो रूट में छत्तीस है ना, और छत्तीस को वर्ग छह, इसलिए रूट छह और रूट छह, यानी एक तरह की संख्या अगर रूट में डबल रहेगा तो तुरंत हम कह देंगे एगो संख्या, समझे ना, रूट छह एगो छह हो गया। अब इसको जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, किसको ऊपर वाले संख्या को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होते हैं, तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, समझे ना, यानी ए और बी, तो ए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना पांच, यानी पांच का स्क्वायर हो गया, अब है प्लस फिर सूत्र में टू ए बी, क्या टू ए बी, तो टू का मान क्या है, टू के टू रहेगा गुना ए, ए का मान पांच, फिर गुना बी, बी का मान रूट छ, फिर यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर देंगे प्लस बी, बी का मान रूट छ, अब बी का स्क्वायर है उसको कर देंगे ऐसे स्क्वायर बट्टा, पच्चीस में से छ को घटा देंगे, पच्चीस में से छ गए, पच्चीस में से छ को घटाएंगे कितना होगा उन्नीस, यहाँ पर दो उन्नीस, अब देखो यहाँ पर पांच हो गया डबल, यानी पांच के स्क्वायर डबल पांच को गुना करेंगे तो कितना होगा पांच पच्चीस, पांच पच्चीस प्लस, अब इस दोनों संख्या को क्या कर लेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो पांच गुना दस रूट छ प्लस रूट छ, इसमें डबल हो गया स्क्वायर है ना, तो रूट छ यानी रूट छ गुने रूट छ, अगर रूट छ रूट छ को गुना करेंगे तो कितना होगा एगो छ होगा, होगा ना, यहाँ पर छ बट्टा क्या है ये उन्नीस, तो यहाँ पर जो होगा देखो ये भी ये दोनों एक तरह के हो गया संख्या, हो गया ना, तो पच्चीस और छ का जोड़ लेंगे तो पच्चीस और छ इकतीस, इकतीस प्लस कितना है ये दस रूट छ, इसको कहा नहीं हम जोड़े इसके साथ, तो ये रूट में है ये बिना रूट में है, इसलिए रूट वाले को और बिना रूट वाले को आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं, समझ गया ना, बट्टा कितना उन्नीस, अब देखो उन्नीस से ये संख्या करता है नहीं, और नहीं तो ये करता है कि, तो यही पर हो जाएगा इतना आंसर, यानी इकतीस प्लस दस रूट छ बट्टा उन्नीस, ये हो गया आंसर, देखो ये जो है ना पांच प्लस रूट पांच इंटू पांच माइनस रूट पांच, इसको कहते हैं हल करने के लिए, यानी हल का यहाँ पर हो गया इंटू यानी गुना का चिन्ह, इसका यानी इसके साथ हमें इसको क्या करना है गुना करना होगा, क्या करना होगा गुना, तो इसमें इस तरीके से समझना है कि जो इसमें पहला संख्या है ना, जो इसमें पहला संख्या है ये, इसके साथ हमें इस दोनों संख्या को पहले क्या करना होगा गुना करना होगा, समझ गया ना, ये पांच है ना पहले इसके साथ इसको, इसके साथ फिर इसको कर लेंगे क्या
गुना कर लेंगे, समझ गया। तो यहाँ पर पांच, यहाँ पर भी पहले क्या है पांच, इस पांच और पांच को क्या करेंगे गुना, तो पांच पांच को गुना कितना होगा पांच पच्चीस, तो यहाँ पर देंगे पच्चीस। फिर इसके साथ इसको गुना करेंगे, इसके पीछे में माइनस का चिन्ह है, इसके पीछे में नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस है ना, माइनस में। अब देखो पांच और रूट पांच है ना, यहाँ पर पांच को और रूट पांच के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, तो पांच और रूट पांच को गुना करेंगे तो पांच रूट पांच, ये नहीं कह देना कि पांच या पच्चीस, क्योंकि ये रूट में है ये बिना रूट में है, समझ गए ना। तो रूट वाले और बिना रूट वाले को जो एक साथ हम गुना नहीं कर सकते, समझ गए ना। पांच और रूट पांच को गुना होगा पांच रूट पांच। अब बोलो पहला संख्या के साथ इस दोनों को गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये हटा, अब इससे गुना हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब बच गया रूट पांच, इसमें बचा है ना ये, तो इसके साथ इस दोनों को हम गुना करेंगे। बिस्मिल्लाह क्या करते हो, तो ये रूट पांच के साथ फिर इस दोनों संख्या को क्या करेंगे गुना, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको गुना करेंगे। देखो पांच और रूट पांच, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस का चिन्ह देंगे, पांच और रूट पांच के गुना करेंगे तो पांच रूट हो जाएगी। अब रुको, ये जो है रूट पांच, यहाँ पर भी अब रूट पांच, अब इस दोनों को गुना करेंगे ना, तो ये माइनस में है तो माइनस दे दो, रूट पांच और रूट पांच के गुना करेंगे तो एक पांच लिखेंगे, हो गया। अब देखो ये दोनों जो है एक जाति का हो गया ना, रूट में नहीं है, नहीं ये है रूट में, नहीं तो ये है रूट में। अब जैसे संख्या यह है वैसे ही यह है ना, पांच रूट पांच, ये भी पांच रूट, ये माइनस में यह प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अब माइनस का मतलब हो गया कि अब उसको घटा दो, जला देंगे ना, तो पांच रूट पांच में से पांच रूट पांच को जो घटाएंगे तो जीरो होगा, क्या होगा जीरो, यानी यहां पर इसको काट देंगे, क्या कर देंगे समझ रहा, जीरो कुछ नहीं बचा। अब ये है प्लस में, ये है माइनस, तो प्लस माइनस 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 होगा। आप 25 में से 5 को क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे, तो 25 में से 5 अगर चला गया तो कितना बच गया 20 हो गया, 20 आंसर हो गया। 1/4 और 1/3 के बीच कहता है पांच परिमेय संख्या निकालने के लिए, इसमें भिन्न जोड़ सभी को आते हैं, देखो तो लिखेंगे 1/4 है ना, और यानी प्लस का चिन्ह दे दो, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 सिर्फ यहाँ पर हमें करना है भिन्न जोड़, क्या करना होगा भिन्न जोड़ करना होगा, समझ गया ना। तो देखो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, इसके पूरे का बट्टा जो है ना हमें दो लेना होता है, समझ गया ना। जब भी निकालेंगे परिमेयकरण क्या कहते हैं परिमेय संख्या, तो हम बट्टा क्या देंगे दो देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, परिमेय संख्या निकालते वक्त बटा दो। अब देखो भिन्न जोड़, तो इसको हमें भिन्न जोड़ करना है, ये नीचे वाले सिर्फ ऐसा ही रहेगा, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो चार और तीन का हम लघुतम निकालने के, तो चार तीन का लघुतम होगा, चार तिया 12, यहाँ पर दे दो 12, हो गया ना। तो अब इसको जो है इसके साथ इसको हमें भाग करना होगा ना, चार तिया 12 तीन, तीन के साथ एक को गुना करेंगे तो तीन एक तीन प्लस तीन चौका 12, चार बेर में करता है, चार एक का गुना चार, अब बट्टा जो ये दो है तो ये दो लेंगे, समझ गया ना। अब देखो चार तीन सात, बट्टा ये होगा 12, अब बट्टा कितना ये, अब इसको जो है हमें गुना में परिवर्तन करना होगा, किस चीज में गुना में, तो देखो तो 7/12 यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, मान लो कि इसके बट्टा कुछ नहीं तो कितना है, तो इस संख्या को ऊपर करेंगे, इस संख्या को नीचा, इन एक ऊपर गया, ये दो नीचा आ गया। अब देखो ये कटने वाला तो है नहीं कहीं पर, है कटने वाला, तो गुना कर लो, 7 1 का गुना होगा 7/12 2 24, एक संख्या निकल गया, 5 कहते थे निकालने के लिए उसमें एक संख्या निकल गया, समझे ना। अब फिर लिखेंगे ये 7/24, ये संख्या लेंगे, जो आंसर निकल गया वह संख्या लेंगे, समझे ना। यानी फिर देखो
सात बट्टा चौबीस, यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह, किसका प्लस का, इसमें पहला संख्या जो है वो हम ले लेते हैं, चलो दूसरा, चलिए दूसरा संख्या ले लेते हैं, कितना एक बट्टा तीन, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बट्टा तीन लेके बना देते हैं, वन बाय थ्री, हला नहीं करोगे, वन बाय थ्री हो गया ना, कोई दिक्कत आप पूरे को बट्टा कितना करेंगे दो करेंगे, करेंगे ना, आप फिर जो इसको लघुत्तम निकालो, चौबीस और तीन का लघुत्तम चौबीस से होगा, चौबीस तीन का लघुत्तम चौबीस, तो चौबीस से चौबीस में अगर भाग देंगे तो कितना होगा एक, चौबीस से कान एक बार में करता है ना, एक और सात को गुना करेंगे तो सात, प्लस तीन से चौबीस में अगर हम भाग देते हैं तो तीन अठे चौबीस, क्या बार में करता है आठ बार में, तीन अठे चौबीस होता है ना, आठ एक को गुना करेंगे आठ है ना, बट्टा ये कितना, और जोड़ लो आठ सात पंद्रह बट्टा चौबीस, अब जो कोई संख्या यहाँ पर जो है गुना के चिन्ह यही पर दे देते हैं कि इसके बटा कुछ नहीं तो कितना, एक एक को ऊपर देंगे दो को नीचा लाएंगे, लाएंगे ना, अब ये कहीं पर कटने वाला है नहीं, नहीं कटने वाला है, ये तो नहीं कटेगा, तीन से तीन पंच तीन अठे कट गया ना, अब गुना करो पांच कान पांच बट्टा आठ दूनी सोलह हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बाद होगा फिर लिखो यहाँ पर, ये जो आंसर आया वो लिखेंगे पांच बट्टा सोलह, लिखेंगे यहाँ पर पांच बट्टा सोलह प्लस, फिर अगला संख्या ले लेंगे उसमें एक बट्टा तीन, एक बाय तीन हो गया, पूरे का बट्टा कितना लेंगे दो लेंगे, फिर यहाँ पर जो ऐसे ही इसको इसको क्या करेंगे लघुत्तम, क्या करेंगे सोलह और तीन का लघुत्तम होगा सोलतिया अड़तालीस होगा, क्या होगा अड़तालीस, अब लोग सोलतिया अड़तालीस तीन बार में करता है, तीन को और ये पांच को क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे तो पांच तिया होगा ना प्लस तीन से अड़तालीस में भाग देंगे, उस तीन से अड़तालीस में क्या देंगे तीन से अगर अड़तालीस में भाग देंगे कितना होगा, तीन का तीन है तीन छक्के अठारह सोलह, सोलह तीन अड़तालीस होती है ना, उस सोलह के साथ उस एक को क्या करेंगे गुना, सोलह एक का गुना होगा सोलह बट्टा कितना यह है टू हो गया ना, देखो सोलह पंद्रह को जोड़ लो कितना होगा इकतीस बट्टा कितना यह अड़तालीस, यहाँ पर गुना की चिन्ह दे दो ऊपर नीचे यही पकड़ देते हैं, उसका बट्टा कुछ नहीं तो कितना एक, एक को ऊपर दे के इस दो को क्या क्या कर देंगे नीचे, कहीं पर कटने वाले तो है नहीं नहीं ना, तो कितना होगा इकतीस और एक का गुना करेंगे तो इकतीस बट्टा अड़तालीस गुना छियानवे, छियानवे होता है दे दो छियानवे, क्या वो निकल गया तीन, ऐसे ही निकालना है तुम लोगों को कि नहीं निकालोगे, ऐसे निकाल पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवाल बनाते हो यानी गणित में जो भी अध्याय खत्म हो जाते हैं ना उस अध्याय को जो है घर पर रिवाइज करो, गणित है रिवाइज का चीज, अगर रिवाइज उसको छोड़ दोगे तो समझ लो क्या होगा भूल जाओगे, इसलिए कभी भी जाए घर पर बैठो नहीं, दिन के समय कोई अध्याय निकाल लो खत्म हुआ उसको फिर से अपना घर पर बनाओ, अगर जो सवाल नहीं बनता है उसको पीछे वाले कॉपी से जो है ना रिवाइज कर लो देख करके फिर उसको बना लो, समझ गया ना।